Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Rural College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss a very, basic topic in the field of primary education, that is decentralization of management in primary education. मतलब प्राथमिक शिक्षा में जो प्रशासन है, जो प्रबंधन है, उसका विकेंद्रीकरण. प्राथमिक शिक्षा में प्रबंधन का विकेंद्रीकरण. Okay. And the lecture will be in bilingual mode, and it will be useful for various purposes to you all. So first of all, decentralization of management in private education. बात समझने की कोशिश कीजिए. प्राथमिक शिक्षा है. तो रिमोट जगहों पे, दूर दराज के इलाकों में, सब जगह अब ये भी कह दिया गया है कि 1 किलोमीटर के दायरे में बच्चे को स्कूल मिल जाए, मतलब कि शहर से बहुत दूर भी है, सब तरीके का है. तो जो शहरी, जो जो सेंट्रलाइज्ड जो सहायता होती है वो जनरली नहीं पहुंच पाती है. इसलिए ये ज़रूरी है कि जो प्रबंधन है उसको विकेंद्रीकरण कर दिया जाए. मतलब हर लेवल पे आप थोड़ा थोड़ा आप उनको पावर दे दीजिए, आप उनको कम्युनिटी से सपोर्ट का उनके पास मतलब वो कर सकें, उसमें कोई अवरोध ना आए. इस तरीके की चीज़ें करने पर ही प्राइमरी एजुकेशन चल सकती है. जब तक आप मैनेजमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, अगर वो सेंट्रलाइज्ड रहेगा तो प्राइमरी एजुकेशन का काम करना बहुत मुश्किल है. इट इज़ एग्रीड दैट एन एडिक्वेट प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सपोर्ट बेस एट दी ग्रास रूट लेवल ऑफ एजुकेशन इज एसेंशियल. कह रहे हैं कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ग्रास रूट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है. प्राइमरी एजुकेशन जो उसका ग्रास रूट लेवल है, जो उसका जो बेस है, उस पर हमको प्रोफेशनल और टेक्निकल सपोर्ट बेस चाहिए. फॉर दिस पर्पज इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट कैपेसिटीज नीड टू बी डेवलप्ड इन डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल फंक्शनरीज सो दैट दे कॉन्ट्रीब्यूट इन द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स. इसलिए ये ज़रूरी है कि जो इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट कैपेसिटी है उसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे भी कार्यरत कर सकें. तभी जो वेरियस स्कीम सरकार की चलती है उसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा और उसका लाभ एक्चुअली मिल पाएगा प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को. देयर कोऑपरेशन एंड डीप इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी एट ऑल स्टेजेस. इनका सहयोग चाहिए, हमको इनका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, हर स्टेज पे चाहिए. जैसे प्लानिंग, नियोजन के स्टेज पे भी चाहिए, मॉनिटरिंग जब आप मॉनिटर करते हैं कि काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, एंड इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशनल प्लान्स और जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब आप इसको प्रायोजित करते हैं. Since the problem of wastage and stagnation is concentrated in rural areas, we have to concentrate on our efforts to revamp the system of primary rural schools. इसलिए चूंकि wastage और stagnation की समस्या ज़्यादा rural स्कूलों में आती है, rural area में आती है, इसलिए हमको अपना जो effort है, जो प्रयास है, उसको हमको concentrate करना है कि primary rural scale में तो निश्चित रूप से management का decentralization हो जाए. For that purpose, empowerment of local bodies, that is district board, blocks and panchayats has to be accepted as key strategies. इसके लिए हमको क्या करना होगा कि जो जिला स्तर का बोर्ड है, जो ब्लॉक लेवल के इकाई है, जो पंचायत है, वो सब क्या हो, मतलब सुदृढ़ हो, ताकि लोकल बॉडीज का हम सहयोग प्राप्त कर सकें. फिर कीपिंग इन व्यू दिस फेल्ट नीड, जब हमने ये महसूस किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे सब डिसेंट्रलाइजेशन हमको करना है, तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन केब, विच इज एन एपेक्स बॉडी इन मैटर्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, हैज सेट अप ए कमिटी ऑन डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन. जब ये माना गया कि इतना ज़रूरी है, तो जो केब है, एक बॉडी है जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन है, उसने ये पाया कि एजुकेशनल पॉलिसी के फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको मैनेजमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा. This committee is to recommend measures to provide detailed recommendations on the creation of educational structures at district, taluk, mandal and village level. इस कमेटी ने रिकमेंड किया, संस्तुति दी कि हमको एजुकेशनल स्ट्रक्चर हर लेवल पे बनाना होगा. डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे बनाइए, मंडल स्तर पे बनाइए, गांव स्तर पे बनाइए, है ना. द न्यू पंचायती राज एक्ट 1992 इन्विसेजेस द फॉर्मेशन ऑफ पंचायत्स फॉर ए विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस विद ईच पंचायत कॉन्स्टिट्यूटिंग ए विलेज एजुकेशन कमेटी. अभी BEC की बात हो रही थी, यानी कि कहा गया, जो 1992 में पंचायती राज एक्ट आया, उसने कहा कि पंचायत में एक विलेज एजुकेशन कमेटी बनेगी. क्या करेगी ये विलेज एजुकेशन कमेटी? एडमिनिस्टर एजुकेशनल प्रोग्राम एट द विलेज लेवल, गाँव के स्तर पे शैक्षिक प्रोग्रामों को एडमिनिस्टर करेगी. एंड वुड हैव एनफ पावर्स टू ऑपरेशनलाइज माइक्रो प्लानिंग एंड हेल्प इन मेकिंग एरिया स्पेसिफिक स्कूल इफेक्टिवनेस प्रोग्राम. और
बार बार कहा जा रहा है ना, जो सूक्ष्म स्तर पर नियोजन होता है, जो इकाई स्तर पर नियोजन होता है, जो आपके स्कूल में क्या चाहिए, किस चीज की कमी है, उसका जो नियोजन होता है उसको करेगी वीईसी, विलेज एजुकेशन कमेटी, और एरिया स्पेसिफिक स्कूल इफेक्टिवनेस प्रोग्राम भी बनाएगी। मतलब एरिया स्पेसिफिक, आपके क्षेत्र के हिसाब से क्या विशिष्ट प्रोग्राम आपके स्कूल को चाहिए वो। दो और क्या करेगी, दीज विलेज एजुकेशन कमेटी वुड इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड मेक यूज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन फैसिलिटीज। मतलब इस बीईसी का काम है कि वो देखे कि हर बालक को प्राइमरी एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही हो। दे वुड गैल्वेनाइज कम्युनिटी सपोर्ट इन कॉम्बेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। और जो हमारा समुदाय है उसकी सहायता से हम वेस्टेज और स्टैग्नेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। कैसे, एडवाइजिंग पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। ये अभिभावकों को सिखाएंगे, बताएंगे कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। एक्टिवेटिंग पेरेंट टीचर एसोसिएशन पीटीएम करेंगे स्कूलों में, है ना, पेरेंट और टीचर आपस में बात करेंगे तो बालक के लिए लाभप्रद होगा। रनिंग एनएफई सेंटर्स इफेक्टिवली। एनएफई क्या है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी वो बच्चे जो फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते हैं उनके लिए जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के सेंटर चल रहे हैं वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। हेल्पिंग इन ब्रिंगिंग स्कूल एंड विलेज कम्युनिटी क्लोजर एंड रिड्यूसिंग ट्रांसी केसेस, यानी कि जो भगोड़े बालक होते हैं, जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, तो हम उनको कैसे पकड़ेंगे, कम्युनिटी और विलेज को पास लाइए ताकि समुदाय के लोग भी बता सकें कि ये बच्चा स्कूल नहीं जाता है, या वो आपको सहायता कर सके, आपको रिपोर्ट कर सके अगर कोई बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है तो। मोबिलाइजिंग इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो बालिकाएँ हैं उनके इनरोलमेंट को बढ़ाया जा सके। एडिंग स्कूल इन रनिंग रिमीडियल क्लासेस, हम स्कूल को सहायता प्रदान करें ताकि वो रिमीडियल क्लासेस चला सके लो अचीवर्स की। एंड हेल्पिंग पुअर पेरेंट्स इन मीटिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड, और जो गरीब परिवार हैं, जो गरीब अभिभावक हैं, उनकी मदद की जा सके ताकि वो बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकें। तो विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे हमको डिसेंट्रलाइजेशन करना है मैनेजमेंट का, खास तौर से प्राइमरी एजुकेशन का, और विलेज एजुकेशन कमेटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन जनरली बच्चों को इसका मैटर नहीं मिलता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट इन प्राइमरी एजुकेशन। तो शॉर्ट नोट्स के लिए इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ऑल। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।